हम लोग अभी चला रहे हैं 125 स्टॉर्म, अप्रिलिया का स्टॉर्म 125, ये चले हम लगा वाइजर। अप्रिलिया का ये जो स्टॉर्म बाइक है, मैं इसे बाइक ही बोलूंगा क्योंकि ये बाइक जैसा ही पावरफुल है। 105 cc का एयर कूल्ड इंजन आता है इसमें, काफी फन है इसे चलाते हुए। और हाँ दोस्तों, ये नोटिसेबल भी है काफी, लोग आपको नोटिस करेंगे कि आप इसे चला रहे हो। पहली बात, इसका इंजन काफी स्मूथ, कोई वाइब्रेशन नोटिस नहीं हो रहे हैं। और इसका जो एक्सेलरेशन है काफी मक्खन है, बिल्कुल आराम से एक्सेलरेट कर रहा है, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक स्कूटर चला रहे हो। वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको इंस्टेंट पावर मिल जा रही है, टॉर्क काफी जल्दी आ रहा है, और ये पिकअप भी अच्छा कर ले रहा है। चलो देखते हैं सस्पेंशन कैसा है। ये जगह थोड़ा खराब है। ओके, सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है फर्स्ट, जिसके वजह से काफी अच्छी हैंडलिंग हो जा सकती है। और इस पे ऑन ऑफ रोड स्पेक टायर्स है, जिसके वजह से आप लोग इसे थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं तो इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। बहुत इजी गोइंग है और बहुत ही जल्दी, मतलब इस पे टर्न ले सकते हैं हम लोग। इस पे जो ब्रेक्स है वो डिस्क नहीं आते, बल्कि ड्रम ब्रेक्स है। काफी काफी है, मतलब है तो 125 cc। और इसमें कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी आता है, जिसके वजह से फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं। ये एक सेफ्टी फीचर है। ये गाड़ी बहुत आपको एक्साइट कर देगी। गाड़ी चलाने में नाम स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग की तरह ही काम कर रही है। मुझे लगता है ऐसे टाइप के गाड़ियों में थोड़ा ब्रेक ज्यादा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एटलीस्ट डिस्क तो बनता है, क्योंकि इतना अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इसका। और कोई भी मायने में ये स्कूटर नहीं लग रहा है चलाने में, बिल्कुल बाइक लग रहा है, जो कि इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। और मुझे ये काफी कंफर्टेबल लग रहा है चलाने में। हाँ, इसका जो फुटबोर्ड है वो थोड़ा छोटा है, जो नॉर्मल स्कूटर्स मिलते हैं उसमें आपको फुटबोर्ड थोड़ा चौड़ा मिल जाता है, आप अपने पैर स्प्रेड करके बैठ सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड, ये एक स्पोर्ट स्कूटर है और इस पे उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको। आपको बहुत ही अच्छा स्पोर्टी राइड देगा। जो सीटिंग पोजीशन है काफी अपराइट है और काफी कंफर्टेबल बोल सकता हूँ, बट जो सीट है वो थोड़ा, मतलब थोड़ा ज्यादा, मतलब हार्ड है। बट सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी को लेके आपको कोई शिकायत होने वाली है नहीं, क्योंकि ये गाड़ी इतनी अच्छी है और इसको आप मजे से चलाने वाले हो। ये गाड़ी इतनी अच्छी है, तो मुझे एक चीज कमी लगी है, ये जो बटन प्लेसमेंट है इसका काफी अंदर है। हॉर्न का बटन, मुझे हॉर्न दबाने में तकलीफ हो रही है, मतलब मेरी उंगली नहीं जा रही है हॉर्न बटन तक, तो ये एक बमर हो जाता है। हॉर्न का बटन थोड़ा अगर एक्सटेंड किया जाता तो कंफर्टेबल होता हॉर्न दबाने में। ऑल दो हॉर्न काफी अच्छा है। ये जो बटन है इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो सकती थी। स्पीडोमीटर आपको जो मिलता है वो फ्यूल गेज मिलता है, और ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, इसमें वो डिजिटल वाले मीटर नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें वो पुराने अप्रिलिया के जो स्कूटर्स आते थे SR150, उसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इसमें डाला गया है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ भाई। सस्पेंशन काफी अच्छा है, थोड़ा स्टिफ है हाँ, बट आप यूज टू हो जाओगे स्टिफ सस्पेंशन को। स्टिफ सस्पेंशन की वजह से एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है, वो है स्टेबिलिटी। और ये काफी स्टेबल गाड़ी लग रही है मुझे हाँ, और बहुत बढ़िया पिकअप है इसका। अगर कोई देख रहा है कि उसको पिकअप वाली गाड़ी चाहिए जो अच्छी पिकअप दे, तो ये गाड़ी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पहले तो ऑफ रोड वाले टायर से कहीं भी चला सकते हो, पिकअप बहुत अच्छा है, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है इंजन का, और गाड़ी दिखती भी अच्छी है। ब्रेकिंग टेस्ट काफी अच्छी है ब्रेकिंग। इसमें और एक चीज
की कमी लग रही है वो है सीट की कंफर्ट। अब जो सीट है वो थोड़ा छोटा है और एक स्कूप आउट सीट है ये सामने की तरफ। सीरियसली इस गाड़ी को चला के बहुत मजा मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छी स्कूटर है ये। इस पे आप लॉन्ग डिस्टेंस आराम से कवर कर सकते हो यार, सीरियसली। रियर व्यू मिरर्स जो है अच्छे हैं, विजिबिलिटी भी अच्छा है, पर ये थोड़ा ज्यादा स्प्रेड नहीं है बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, जो एक तरफ का पॉजिटिव ही है। आप पीक ट्रैफिक में आपको रियर व्यू मिरर्स नहीं लगेंगे दूसरे गाड़ियों से, उसका टेंशन नहीं है। पर जितने भी खराब रोड है वो आराम से ये हैंडल कर ले रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सामने की तरफ टेलीस्कोपिक फोक्स है और पीछे सिंगल शॉक अब्जॉर्बर हाइड्रोलिक वाले। ऐसे ऐसे मतलब इस गाड़ी को अगर लोगे ना, मतलब ऐसे ऐसे निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे आप। इसका जो इनिशियल पिकअप है वो अच्छा है, उसके बाद ग्रेजुअली पिकअप थोड़ा कम हो जाता है, बट इनिशियल पिकअप बहुत ही अच्छा है, ऐसे खींचता है। एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको दे देता है ये गाड़ी जब आप इसको चलाएंगे। स्मॉल ओवरटेक्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, एक्सेलरेशन एब्सोल्युटली स्मूथ। तो ज्यादा ही मेजमराइज हो गया, पहली बार किसी 125 सीसी का स्कूटर चला के मुझे इतना मजा मिल रहा है। भागती है दोस्तों ये, भागती है, लिटरली भाग रही है। इसमें आप कट मार सकते अंदर से, मतलब मारना उचित तो नहीं है, बट आपको इतनी अच्छी जो रेस्पॉन्स रहती है जिसके वजह से आपको ऐसे चलाने का बहुत मन करता है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया इसको लेके। जो स्टार्टिंग एक्सेलरेशन है इसकी काफी प्रोग्रेसिव एक्सेलरेशन है, उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा लीन हो जाता है, मतलब थोड़ा धीरे से हो जाता है। उसके बाद लगता है कि हाँ तुम एक 125 स्कूटर की इंजन चला रहे हो, क्योंकि इसका जो लो एंड और मिड रेंज है वही इसका सबसे बड़ा हाइलाइटिंग पॉइंट है। इसका टॉप एंड आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट एक चीज तो है, ये आपको थ्रिल देगा। लिटरली मुझे गूस बम्स आ रहे हैं इस गाड़ी को चलाते हुए, और मतलब मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया इसके बारे में।